Hey everyone, कैसे हैं आप लोग? Welcome back to my channel Nomadic Explorista. मेरा नाम सुहान है एंड आज के इस वीडियो में मैं आया हूँ बैंकॉक के DJI सर्विस सेंटर पर. मैं यहाँ क्यों आया हूँ, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हो गए तो उसमें मैंने बताया था. अगर आपने नहीं देखे है तो फिर बता देता हूँ मैं आपको. मेरा जो पॉकेट 3 है कैमरा, उसका जो स्क्रीन था वो बीच में अटक गया था, ना ओपन हो रहा था ना क्लोज हो रहा था. एंड दूसरा, मेरा ड्रोन जो था वो 3 बार क्रैश होने की वजह से उसके सेंसर्स काम नहीं कर रहे थे. वो फ्लाई करने के बाद में राइट या लेफ्ट या आगे पीछे नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था. तो जब मैं यहाँ पर संक्रांत के लिए आया था, सर्विस सेंटर पे रिपेयर के लिए दिया था, अभी मैं आया हूँ उसको पिकअप करने के लिए. चलिए आपको पूरा स्टोरी समझाता हूँ मैं क्या हुआ है एंड कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस DJI सर्विस सेंटर बैंकॉक में. एंड अगर आपने DJI का ड्रोन या कोई भी कैमरा लिया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा. ये रहा मॉल, बट आपको इस साइड से जाना है, यहाँ से लिफ्ट लेना है. उधर से एंट्रेंस नहीं है ऑफिस DJI सर्विस सेंटर का. ये रहा लिफ्ट, इससे हमें जाना है सेकेंड फ्लोर पर. एंड वो रहा DJI का सर्विस सेंटर. देखो ये है सर्विस सेंटर उनका. यहाँ पे सिर्फ परचेस नहीं होता, यहाँ पे सर्विस ही है. यहाँ पर DJI के सारे प्रोडक्ट्स रिपेयर होते हैं. दिस वन फॉर योर पॉकेट 3. यस, ओके, ट्राई. ओके, तो ये सारा रिपेयर फॉर्म मिलेगा आपको. आप जब भी यहाँ पर अपना ड्रोन या कैमरा रिपेयरिंग के लिए दोगे, इसमें आप क्या क्या प्रोडक्ट दिए हो आ जाएगा एक्स्ट्रा. मैंने यहाँ पे केस दिया था पॉकेट 3 के साथ एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस जो भी देते हो आप उस पर वो कॉन्टैक्ट करेंगे. व्हाट्सएप स्कैन करके व्हाट्सएप या लाइन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो आपको. इसका कॉस्ट मैं बताता हूँ कितना हुआ है रिपेयरिंग का. फाइनली पॉकेट 3 वापस आ गया मेरा. चलो ड्रोन भी आ गया. You guys took 4 weeks to just check it. Yeah, we have a lot of queue. Yeah, okay. But if somebody is coming from outside, how will they manage? Because we are tourists, right? We cannot stay here for a long time. Actually, they have to wait or the special track. But my staff have to do overtime and you have to pay extra. Okay. Yeah, but for this one, not enough time. It have some sensor we don't have in stock. That's why we cannot offer you that. Okay. तो ये देखो, ये ड्रोन का रिपेयरिंग के लिए डाला है सेंसर मॉड्यूल का 6400 baht. फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट कवर, मिडिल फ्रेम, एयरक्राफ्ट आर्म, रोटेटिंग एक्सेस, गिम्बल साइड कवर, प्रोपेलर्स एंड देन वर्कमैनशिप. टोटल मिला के 10,892 का बिल किया था, लेकिन रिपेयर नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास सेंसर्स है नहीं. उनको और 2 से 3 हफ्ते चाहिए. मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 4 हफ्ते के लिए छोड़ दिया था अपना ड्रोन, उसके बाद भी उनको और 2 से 3 हफ्ते चाहिए जो आइटम्स है वो मंगा कर रिपेयर करके मुझे देने के लिए. तो मैंने वापस ले लिया क्योंकि मेरे पास उतना टाइम है नहीं, ये वीक में वापस आ रहा हूँ. मैंने बोला ठीक है वापस दे दो, मैं इंडिया में रिपेयर करवा लूँगा. एंड बहुत एक्सपेंसिव हो रहा था. देखो 10,892, ऑलमोस्ट 25,000 rupees उसका रिपेयर फॉर्म था. एंड ये सारा बिल बनाया उन्होंने. एंड क्योंकि ड्रोन क्रैश हुआ था तो वारंटी कवर नहीं होगा उसमें, इसलिए वारंटी का कुछ हेल्प नहीं हुआ मुझे. सारा कॉस्ट मुझे रिपेयरिंग का पे करना पड़ता. या दिस वन इज सर्विस फी 375 फॉर डायग्नोस्टिक. फॉर दिस 375. या एंड फॉर दिस इज 3,210 baht. ओके, कैन यू माय कार्ड? या श्योर श्योर श्योर, यू कैन पे विद कार्ड. पहला जो पॉकेट ट्री का प्रॉब्लम था वो डिस्कस करते हैं. अगर आपने मेरा अनबॉक्सिंग वाला वीडियो देखा है तो मैंने पॉकेट ट्री परचेस किया था वियतनाम से, लेकिन उन्होंने उसको एक्सपोर्ट किया जापान से. तो मैंने जब DJI को कॉन्टैक्ट किया कि ऐसा स्क्रीन का प्रॉब्लम आ गया है एंड ये मेरा फॉल्ट नहीं है, DJI का फॉल्ट, ये प्रोडक्ट का फॉल्ट है. एंड तो उन्होंने बोला कि आपका प्रोडक्ट का जो सीरियल नंबर है वो जापान में रजिस्टर्ड है, तो आपको जापान जाना पड़ेगा सर वारंटी क्लेम करने के लिए एंड फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा. लेकिन जापान का कोई प्लान था नहीं मेरा एंड वीज़ा प्रोसेस भी बहुत टाइम लगता है उसका, वो हो नहीं पाया. जब मैं थाईलैंड आया, यहाँ पे मैंने उनको समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने. वो बोले कि आपका प्रोडक्ट थाईलैंड का है नहीं तो वारंटी होगा नहीं, तो उसको रिपेयरिंग का जो कॉस्ट होगा वो आपको पे करना होगा. तो मैंने 10 अप्रैल को यहाँ पर प्रोडक्ट छोड़ा था एंड आज है 6 मई, तो ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया उनको रिपेयरिंग के लिए.
सो पॉकेट ट्री तो एक हफ्ता पहले रिपेयर हो गया था, बट ड्रोन के लिए बहुत टाइम लगा डायग्नोस करने के लिए. उनके पास एक क्यू सिस्टम है, अगर आपको जल्दी काम करवाना है तो ओवर टाइम का चार्जेस लगेगा, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो 10,870 या 800 बात जो बोला है उसके ऊपर एक्स्ट्रा पर आवर जितने घंटे वो काम करेंगे उसका आपको अलग से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली जो पॉकेट ट्री का प्रॉब्लम है वो मेरा प्रॉब्लम नहीं था, वो प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है. और जितना मैंने DJI फोरम में भी पढ़ा है, ऑनलाइन रिव्यूज़ देखा है, वीडियोज़ देखे हैं यूट्यूब पे, एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है DJI Osmo Pocket 3 में, लेकिन कंपनी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है नहीं. अगर कोई DJI सपोर्ट से देख रहा है तो यू गाइस हैव टू वर्क ऑन दिस, बिकॉज दिस इज़ नॉट आर मिस्टेक, इट इज़ अ मालफंक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट, नॉट अ यूज़र प्रॉब्लम. And for that I had to pay today, I paid around 8,000 rupees just for the pocket tree and 370 baht, matlab around 7,500 rupees I paid for pocket tree and around 800 rupees I paid for drone ka diagnosis ke liye. Ek cheez dimag mein rakh lena ki DJI ka koi bhi product international warranty nahi hai. DJI ke aap GoPro le lo ya Insta360 le lo, kisi mein bhi international warranty applicable nahi hai. And agar aapka drone crash hota hai to wahin bhi aapka warranty khatam ho jayega. पॉकेट ट्री का भी सेम है, अगर कुछ डैमेज होगा, फिजिकल डैमेज होगा तो वारंटी कवर नहीं होगा. अगर मैंने पॉकेट ट्री थाईलैंड से लिया होता एंड स्क्रीन का प्रॉब्लम होता तो ये लोग मुझे फ्री में करके देते, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने लिया है वियतनाम से एंड वो उन्होंने भी इम्पोर्ट किया था जापान से, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ा अराउंड 7,500 रुपीज़. तो मैंने अभी पे कर दिया है एंड ये रहा रिसिप्ट, 3,584 बात एंड 50 सेंट्स मैंने पे किया है इसके लिए. DJI पॉकेट ट्री रिपेयर एंड चेकिंग फी कंज्यूमर फॉर ड्रोन 350 baht, 3000 and 350 baht plus 234 baht ka tax pada hai mujhe, VAT 7% VAT. आप कहीं से भी प्रोडक्ट लो DJI का, लेकिन कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर ये रेगुलर माल फंक्शन हो रहा है, रेगुलर स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है Osmo Pocket 3 में, तो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको रिपेयर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर मेकिंग अस पे. अगर आप भी पॉकेट ट्री लेने का सोच रहे हो तो ये चीज़ याद में रखना, कैमरा जो स्क्रीन है, स्क्रीन का इशू आ सकता है बीच में, एंड अगर आया तो आपको वापस थाईलैंड आना पड़ेगा, या दुबई से लोगे तो दुबई जाना पड़ेगा, वहीं पर रिपेयर होगा फ्री में. नहीं अगर आप कोई दूसरे कंट्री में करा रहे रिपेयर तो आपको उसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा. तो ये था मेरा एक्सपीरियंस DJI सर्विस सेंटर से, जो कि बैंकॉक में है. होपफुली आप लोग को ये प्रॉब्लम फेस ना हो. ड्रोन तो मैंने 3 बार क्रैश किया था, समझ में आता है मुझे, तो अभी मैं उसको इंडिया लेके जाके, बैंगलोर में एक सर्विस सेंटर है जो प्राइवेट है वहाँ, लेकिन उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं. मैं गया भी था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था लास्ट टाइम, तो 4-5 दिन चाहिए था, नेक्स्ट डे मेरा फ्लाइट था, तो मैं अभी जब जाऊँगा वापस बैंगलोर वहाँ पर रिपेयर करवा लूँगा ड्रोन को. एंड पॉकेट ट्री तो रिपेयर हो गया, बस होपफुली कि स्क्रीन का प्रॉब्लम फिर से रिपीट ना हो. ओके, तो मैंने उनसे चेक किया पॉकेट ट्री का जो स्क्रीन है उन्होंने रिपेयर किया है या डिवाइस चेंज किया है, तो उन्होंने रिपेयर किया है. जब स्टार्टिंग में जब ये प्रॉब्लम आ रहा था उनके पास सोल्यूशन नहीं था, उस टाइम पे रिपेयर नहीं हो रहा था, रिप्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन अभी उनके पास सोल्यूशन है उसको कैसे फिक्स करने का, इसलिए अभी रिपेयर हो रहा है. तो ये इन्फॉर्मेशन भी यूज़फुल रहेगा आपको. तो बस आपसे शेयर करना चाहता था मैं कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि आप भी अगर परचेस कर रहे हो ड्रोन, पॉकेट ट्री, एक्शन 4 कैमरा, कुछ भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो तो आपको भी सिमिलर एक्सपीरियंस हो सकता है. इंटरनेशनल वारंटी अवेलेबल नहीं है, इंडिया में कोई सर्विस सेंटर नहीं है DJI का, जितने भी है प्राइवेट ही है. एंड आपको जहाँ से भी आप लिए हो, वियतनाम, थाईलैंड, दुबई, वहाँ पे वापस जाके आपको वहीं से सर्विस कराना होगा अगर आपको वारंटी क्लेम करना है तो. एंड इसी चक्कर में मैंने एक एक्शन 4 कैमरा भी ले लिया है. अभी बेकार का 7,500 रुपीज़ पे करना इज़ नॉट गुड. गलती मेरी होती तो मैं मान लेता, बट चलो ये था एक्सपीरियंस मेरा DJI के सर्विस सेंटर से बैंकॉक में जो है. अगर आप भी परचेस करने का सोच रहे हो तो थोड़ा ये सब चीज़ें सोच लेना, DJI पॉकेट ट्री को संभाल के रखना बहुत. मैंने तो उसके लिए केस भी लिया है, वो केस भी संभाल के रखता था, फिर भी ऐसे हुआ है, बट फिर भी थोड़ा केयरफुल रहिए. अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको आंसर दूंगा. सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में. बाय फॉर नाउ.